नमस्कार, आपका क्विक न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद नए मुख्यमंत्री की तलाश अब पूरी हो गई है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन है पंजाब के नए मुख्यमंत्री और किन विवादों में जुड़ा था उनका नाम। किसी रोमांचक मैच की तरह आखिरी ओवर में भारी उलटफेर के बीच चरणजीत सिंह चन्नी के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि मुझे ये घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि चरणजीत सिंह चन्नी को सर्वसम्मति से पंजाब के कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है और आज यानी 20 सितंबर को मुख्यमंत्री पद के लिए चरणजीत सिंह चन्नी ने शपथ भी ग्रहण कर ली है। आइए जानते हैं पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आखिर कौन है और उनका कैसा रहा है पूरा कार्यकाल। तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को नया मुख्यमंत्री चुनकर सभी को चौंका दिया है। 1966 में राज्य पुनर्गठन के बाद पहली बार कोई दलित पंजाब का मुख्यमंत्री होगा। दरअसल अमरिंदर सिंह ने शनिवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि विधायकों की बार बार बैठक बुलाए जाने से उन्होंने अपमानित महसूस किया, जिसके बाद उन्होंने ये कठिन फैसला लिया और इस्तीफा दे दिया। चन्नी दलित सिख समुदाय से आते हैं और अमरिंदर सिंह सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री थे। वो पंजाब का मुख्यमंत्री बनने वाले पहले दलित नेता हैं। उन्होंने पंजाब के दोआबा क्षेत्र का कद्दावर नेता माना जाता है। ऐसे में उनको सीएम बनाया जाना कांग्रेस की ओर से किसी सरप्राइज से कम नहीं है। चरणजीत सिंह चन्नी 2007 से अब तक 3 बार चमकौर साहिब विधानसभा सीट से विधायक हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में मंत्री भी थे। चन्नी काफी समय से कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बागी सुर भी अपनाए हुए थे, जिसका फायदा अब उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी 2015 से 2016 तक पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं। अब जान लेते हैं क्यों चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मोहर लगी है। दलित नेता को सीएम बनाकर कांग्रेस ने बड़ी आबादी को साधने का काम किया है। उन्हें कमान देकर कांग्रेस हिंदू, दलित और सिखों को एक साथ साधने का प्रयास करेगी। राज्य में दलितों की करीब 20% आबादी है। पिछले चुनाव में ये वोट बैंक बिखरा हुआ नजर आया था। ऐसे में इसे कांग्रेस की दलितों के बिखरे हुए वोट बैंक को एकजुट करने की कवायद के तौर पर देखा जा सकता है। मीटू मामले में भी नाम आने के बाद वो विवादों में रहे थे, यानी कि अमरिंदर सिंह सरकार में पंजाब के तकनीकी शिक्षा मंत्री रहे चरणजीत सिंह चन्नी 3 साल पहले एक सीनियर महिला आईएएस अफसर को अश्लील मैसेज भेजने की वजह से विवाद में फंसे थे। उस समय वे विदेश यात्रा पर गए हुए थे। विदेश यात्रा से लौटने के बाद चन्नी ने कहा था कि उन्होंने गलती से महिला अधिकारी को मैसेज भेज दिया था। हालांकि इस मामले में महिला अधिकारी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी। इसके अलावा अमरिंदर सिंह ने मामले को सुलझाने के वादे भी किए थे, लेकिन पंजाब महिला आयोग ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार को नोटिस भेजकर कार्यवाही की मांग की थी। तो फिलहाल हमने आपको बता दिया है कि आखिर पंजाब के नए मुख्यमंत्री यानी कि चन्नी कौन हैं और उनके बारे में जो जानकारी दी वो हमने आपके साथ साझा की है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।